रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुंबई के दहिसर पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के 4 टुकड़े कर दिए। यही नहीं, पति के टुकड़े कर उसे अपने रसोई घर में दफना भी दिया। घटना के 11 दिन बाद 6 साल की मासूम के निशानदेही पर दहिसर पुलिस ने पति के 4 टुकड़े बरामद किए हैं। क्या था ये पूरा मामला और क्यों हुई पति की हत्या, देखिए क्राइम की इस खास रिपोर्ट में। माया नगरी मुंबई के दहिसर पूर्व के खान कंपाउंड में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने 6 साल की मासूम बच्ची की निशानदेही पर एक मर्डर केस का खुलासा किया है। मासूम बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसकी आंखों के सामने मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके पिता की हत्या कर दी थी। इस घटना की जानकारी पुलिस को हत्या के 11 दिन बाद मासूम बच्ची ने दी। के साथ थोड़ा सा गला काट दी थी। किससे? चाकू से। कौन काटा था? मम्मी। क्यों काटी थी? ऐसा चाकू था इसका, तो ऐसा थोड़ा सा चाकू काट दी। अच्छा, फिर क्या किए पापा को? और वहाँ पत्ती कराने लेके गए थे। हाँ। और मेरी मम्मी उनको नीचे डाले, जमीन के नीचे। मेरे पापा का लाल आता और ये वाला, और हम लोग को ही भगा दिए। तो हम लोग पापा को वहाँ लेके गए पुलिस स्टेशन, और पुलिस बोले और जेल में डाल दूंगे। कौन बोला? मेरी मम्मी। आपको बोली जेल में डाल देंगे? और मेरे पापा उठे। हाँ। तो चाकू काटी है अपना निकाले के। हाँ। तो जिंदा हो गए और वहाँ जमीन के नीचे लेट गए। ठीक ठीक। और मेरा का गला भी थोड़ा सा कटी है, और मेरा गला एक भी नहीं कटा। बच्ची से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी पति और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में रईस शेख की 2012 में 27 वर्षीय साइदा से शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों दहिसर पूर्व के खान कंपाउंड में किराए के घर में रह रहे थे। रईस दहिसर पूर्व रेलवे स्टेशन के पास एक कपड़े की दुकान में नौकरी करता था। पत्नी 6 साल की बेटी और 2.5 साल के बेटे के साथ घर पर ही रहती थी। बताया जा रहा है कि इस बीच पड़ोस में रहने वाले अनिकेत उर्फ अमित मिश्रा के साथ साइदा के अवैध संबंध बन गए। धीरे धीरे यह बात रईस तक पहुंची तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। पति के रोज रोज का विरोध साइदा को नागवार गुजरा और उसने प्रेमी अमित के साथ मिलकर रईस को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगी। पुलिस ने बताया कि 11 दिन पहले मृतक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इस पर दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ और दोनों ने घर में रखे चाकू से रईस का गला काट दिया। उसी दौरान 6 साल की बेटी 2.5 साल के भाई के साथ घर के अंदर आ गई। तब मां साइदा ने बेटी को धमकाया कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसे भी उसके बाप की तरह काट कर जमीन में गाड़ देगी। रईस का अचानक गायब हो जाना उसके दोस्तों और परिजनों को हजम नहीं हो रहा था। खान कंपाउंड में रहने वाले उसके एक दोस्त ने दहिसर पुलिस स्टेशन में रईस की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। दूसरी तरफ साइदा ने प्रेमी अमित की मदद से रईस के शरीर को 4 टुकड़ों में काट कर घर के रसोई में गाड़ दिया और उसका मोबाइल अपने पास रख लिया था। गोंडा से उसके घर वाले फोन करते तो साइदा कहती कि रईस बिना बताए कहीं चला गया है। 3 दिन पहले गांव से उसका भाई आया और मौका मिलते ही 6 साल की बेटी ने अपने चाचा से माँ और उसके प्रेमी की सारी करतूत बता दी। उसके बाद भाई दहिसर पुलिस स्टेशन पहुंचा, वहां अधिकारियों को सारी हकीकत बताई। मंगलवार को पुलिस ने घर के रसोई की जमीन खोद कर वहां से 4 भाग में कटी रईस की लाश बरामद की।
25 मई को दहिसर पुलिस स्टेशन में एक महिला ने आके उसके पति गुमशुदा है करके कंप्लेन दिया था। वो दहिसर पुलिस स्टेशन ने वो कंप्लेन रजिस्टर की और उसके गुमशुदा पति की तलाश शुरू की। बीच में उस जो वहाँ पे वो रहने वाले हैं उसके आसपास के लोगों से पूछताछ की, उसके पत्नी से भी पूछताछ की, तब उसने जो हमें सामने कुछ बातें आई उससे हमें पता चला कि कुछ तो भी इसमें गड़बड़ है। तो पत्नी ने जो उसका स्टेटमेंट दिया वो बार बार उसने अलग अलग स्टेटमेंट देने की वजह से उसके ऊपर हमें ज़्यादा शक हुआ। हमने ज़्यादा हमारे गोपनीय सूत्रों से हमने जब ज़्यादा उससे पूछताछ किया तो हमें पता चला कि जो मयत है उसके जो पति है, जो गुमशुदा आदमी है उसकी जो पत्नी है उसका अनैतिक संबंध किसी दूसरे से चल रहा है करके हमने उस एंगल से भी हमने इंक्वायरी किया तो हमें पता चला कि वो एंगल हो सकता है। सो बाद में हमने जो रहने वाला घर है वो घर में हमने जब वहाँ पे ठीक से उसकी छानबीन की तो हमें पता चला कि कुछ टाइल्स जो है वो नई लगाई गई है। तो हमने वो टाइल्स निकालने के बाद में नीचे हमने थोड़ा सा मिट्टी हटाई तो हमें वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली। तो वो डेड बॉडी जो गुमशुदा आदमी है उसी की है करके हमने निष्पन्न किया। उसके पत्नी से ज़्यादा पूछताछ करने के बाद में उसने बताया कि उसने मर्डर किया है, उसके जो प्रियकर था उसकी मदद से उसने मर्डर किया है। वो बातें हमारे सामने आई और दहिसर पुलिस स्टेशन ने डिटेक्शन स्टाफ ने वो जो दूसरा आरोपी था उसे भी हमने 5 घंटे में उसको अरेस्ट किया हुआ है। पति के साथ क्यों ले जाना चाहती, क्यों उसकी हत्या की, उसका अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में और बहुत बातें निष्पन्न होंगी। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, क्या करता है? आरोपी जो है वो वहाँ पे छोटा मोटा धंधा करता है, उसी इलाके में रहने वाला है और 3 महीने से उसकी जो मयत है उसकी बीवी के साथ में उसका कॉन्टेक्ट था। जमीन के अंदर डालने का वजह क्या थी, बाहर लेके जाने का मौका नहीं मिला या इस तरह से बता दें? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसे पता चल रहा है कि ये फुल पहले से ही प्लानिंग करके उन्होंने ये सब मैंने पूरा घटना को इंतजाम किया है। सर ये मर्डर स्पॉन्टेनियस है या फिर रंगे हाथों पकड़ा गया है? उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है लेकिन जो अभी मर्डर हुआ है वो फुल पहले से उनका प्लानिंग था, ये अभी निष्पन्न हुआ है। सर सुनने में ये भी आ रहा है कि जो मृतक है उसकी 2 संतानें हैं, 6 साल की बेटी है और 2.5 साल का बेटा है, तो क्या ये भी चश्मदीद रहे हैं क्या इस घटना के और क्या इनके भी बयान लिए हैं? उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर एक ये भी आ रहा है कि उसके पेट टुकड़े किए गए, जो मृतक है उसके पेट टुकड़े करके उसको गाड़ा गया, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं नहीं टुकड़े किए गए नहीं है। मौत आखिर कैसे, चाकू से काट कर हुई है, गला दबा कर हुई है, क्या खुश है? उसका अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद में एग्जैक्ट उसका कॉज ऑफ डेथ क्या है, किस हत्यार से मारा है और उसकी मौत एग्जैक्टली कब हुई है वो हमें उसके पीएम कंप्लीट होने के बाद में पता चलेगा। कहते हैं कि एक अच्छी पत्नी घर को स्वर्ग बना देती है, परंतु वही अगर बिगड़ जाए तो घर वालों को स्वर्गवासी। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार की क्राइम की खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज, जुर्म के खिलाफ एक बुलंद आवाज। दहिसर से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।